तीन फ्रेंड्स मिलकर एक अफवाह फैलवाते हैं, पर प्रॉब्लम तब आई जब इनके अफवाह की वजह से एक लड़की का मर्डर हो गया था। अब क्या सच था क्या झूठ था, ये हम आज के हमारी मूवी गॉसिप 2000 की एक मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर कैथी को लाइब्रेरी में देख सकते हैं। बुक में उसके फ्रेंड जिसका नाम था डेरिक उसके लिए कुछ नोट्स रखे थे। इस नोट्स में लिखा था कि आज पार्टी है, तुम्हें आना चाहिए, तुम ऑलरेडी लेट हो चुके हो। कैथी ने उसकी बात मान ली और वो पार्टी में आ गई। हम देख सकते हैं कि कैथी, डेरिक और ट्रेविस ये तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। ट्रेविस को एक लड़की पसंद आई पर उसमें उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। कैथी ने कहा कि तुम एक आर्टिस्ट हो, लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करते हो, अच्छे से उन्हें ट्रीट करते हो, जाकर उस लड़की के साथ तुम्हें बात करनी चाहिए। ट्रेविस उसकी बात मानकर उसे अप्रोच करता है। बारटेंडर ने कहा कि तुम्हारा फ्रेंड बहुत ही अजीब है। डायरेक्ट को ये बात अच्छी नहीं लगती पर बारटेंडर का मजा लेने का वो डिसाइड करता है। उसने कहा कि ट्रेविस एक्चुअल में एक पॉप स्टार का बेटा है, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। हमेशा उसके फादर इधर उधर रहा करते थे तो उसका पूरा बचपन होटल में गया, शायद इसी वजह से वो ज़रा वियर्ड लगता है। इस बारटेंडर ने गेस किया कि ट्रेविस किसका बेटा हो सकता है। जब ट्रेविस वापस आया तो उन्हें वो फ्री ड्रिंक्स देता है। कैथी और डेरिक इस बात का बहुत मजा ले रहे थे। बाद में बार वालों को पता चल जाता है कि एक झूठ था और सबको बाहर निकाल दिया। ये तीनों फ्रेंड्स डेरिक के हाउस में एक साथ ही रहते हैं। ट्रेविस को बुरा लगता है क्योंकि इस मंथ का रेंट वो दे नहीं पाया। डेरिक उसे वैसे भी रेंट मांग नहीं रहा था, वो कहता है मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मुझे ज़रूरत नहीं, इस वजह से तुम पे मत करना। ये तीनों कॉलेज में जर्नलिज्म पढ़ रहे थे। उनके प्रोफेसर लेक्चर में कह रहे थे कि रूमर क्या है और एक न्यूज़ क्या है, इसके बारे में डिफरेंस क्या होता है। अलग अलग लोगों ने ओपिनियन दिए पर डेरिक कहता है कि ये सारी एक सेम ही चीज़ है, बोलने बोलने से बात फैलती है और उसी के बाद में न्यूज़ बन जाती है। एट द एंड ये चीज़ें कुछ भी ज़्यादा मैटर नहीं करती। प्रोफेसर को ये बात उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। ये डिस्कस कर रहे थे कि अपने सेमेस्टर के प्रोजेक्ट में वो क्या करेंगे। कैथी को एक आइडिया आया कि हम एक रूमर स्टार्ट करना चाहिए, देखते हैं कि कितने दूर तक फैलता है। आज रात भी तीनों मिलकर पार्टी में जाते हैं। डेरिक कैथी के साथ फ्लर्ट करना चाहता है पर कैथी उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं देती। डेरिक की जिस भी लड़की के साथ रिलेशनशिप हुए उसके बाद उसने उसे छोड़ दिया था। कैथी उनमें से एक नहीं बनना चाहती थी। पार्टी में डेरिक को एक लड़की ने अप्रोच किया। उसने अपने क्लास में जो आंसर दिया था वो उसे बहुत ही अच्छा लगा था। कैथी बाहर फोटोज ले रही थी तो वहाँ पर एक बहुत ही अमीर लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। इस लड़की का नाम था नयोमी। अंदर आने के बाद कैथी की फ्रेंड उसे कहती है कि मैंने सुना कि तुम और प्रोफेसर में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। कैथी कहती कि यह सब बकवास है, तुमने किससे सुना? ये बात नयोमी ने कैथी के फ्रेंड को बताई थी तो उसे हेट करने लग गए। जिस लड़की ने डेरिक को अप्रोच किया था वो उसे किस कर रही थी। अचानक से डेरिक की नज़र नयोमी पर पड़ती है, उसे इस तरीके से देख रहा था जैसे उसे जानता हो। इसके बाद इंटीमेट होने के लिए डेरिक उस लड़की के साथ एक रूम में चला जाता है। अचानक से उस लड़की की तबीयत ज़रा ख़राब हो गई तो डेरिक उसे हेल्प करता है। उसने कुछ आवाज़ें सुनी तो वहाँ पर नयोमी और उसका बॉयफ्रेंड था। नयोमी ड्रंक थी और उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था, उसे इसके लिए मना करती है। इनके बीच जो भी हुआ ये सारी चीज़ें डेरिक ने देख ली। नयोमी के बॉयफ्रेंड के चले जाने के बाद डेरिक उसे बहुत ही गुस्से से देख रहा था। पार्टी के बाद सब फ्रेंड्स मिले तो डेरिक कहता है कि हमें नयोमी के बारे में एक रूमर फैलानी चाहिए। वो कहता है कि हम लोगों को बताएंगे कि दोनों पार्टी में इंटीमेट हुए थे। ट्रेविस बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गया था तो उसे उठाकर वो रूम तक लेकर आते हैं। डेरिक फिर से कैथी के साथ फ्लर्ट करता है। कैथी ने कहा कि हम दोनों के बीच में कुछ भी हो नहीं सकता। डेरिक कहता है कि इससे हमारी फ्रेंडशिप को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों किस करते हैं पर कैथी फिर उससे दूर चली जाती है। उसने कहा कि मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। अगले दिन ट्रेविस ने प्लान किया कि किस तरीके से इस अफवाह को फैलाने वाले हैं। कैथी को ये करना ज़रा गलत लग रहा था पर अपना माइंड चेंज कर लेती है। ये अफवाह स्टार्ट कर देते हैं और स्लोली स्लोली ये फैलती गई। फाइनली लोग ये भी कहने लग गए थे कि नयोमी दो तीन लोगों के साथ उस रूम में थी। इस तरीके से रूमर बनी इस बात को लेकर ये सब बहुत हंसते हैं। ट्रेविस ने नयोमी के बहुत सारी फोटोज निकाली और एक वॉल पर उससे वो आर्ट बनाने लग जाता है। डेरिक देखकर कहता है कि ये बहुत ही अमेजिंग है। ट्रेविस खुद का कॉन्फिडेंस लो कर कहता है मैं इतना अमेजिंग हूँ पर फिर भी मैं अपना रेंट पे नहीं कर पाता। डेरिक कहता है कि जो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट है उन सबको लगता था कि उनका आर्ट उतना अच्छा नहीं है, यही तो हमें यूनिक बनाता है। जब नयोमी की फ्रेंड्स उसके बारे में बात कर रही थी तो सुन लेती है। इस बात से वो बहुत ही अपसेट हो गई। अगले दिन वो अपने बॉयफ्रेंड को कैफे में लेकर आई, उसे पूछती है कि उस रात एक्चुअल में हुआ क्या था। बॉयफ्रेंड का नाम था बाओ और बाओ कहता है कि उस रात कुछ भी हुआ नहीं, तुम ड्रंक थी, सो गई और मैं वहाँ से चला गया, यही ट्रूथ है। नयोमी इस बात को नहीं मानती तो बाओ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। ये सारी चीज़ें कैथी देख रही थी। ये रूमर और भी फैल चुकी थी। ये जाकर सारे स्टूडेंट की इंटरव्यू लेते हैं।
इनमें से बहुत सारे लोग कह रहे थे नायोमी अनकॉन्शियस हो गई थी, तभी बाओ ने उसका फायदा उठाया। कैथी जरा सस्पिशियस हो गई, अगर ये सच है तो उसके बहुत ही बड़े कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। नायोमी और उसके फ्रेंड मिलकर डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये सच हो सकता है। नायोमी को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, वो सोई हुई थी। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद उसे पता चल जाता, पर फिर भी वो श्योर नहीं है। कैथी को वरीड देखकर ड्राइवर्स कहता है कि ये सिर्फ एक रूमर है, इससे कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसे क्या पता था कि अगले दिन नायोमी डायरेक्टली पुलिस के पास चली जाएगी। उसने अपना स्टेटमेंट दिया तो डायरेक्टर कहती कि मुझे बहुत ही अच्छे से डिटेल दो। नायोमी 100% श्योर नहीं थी कि बाओ ने उसके साथ कुछ किया है भी या नहीं। बाओ को इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया जाता है, वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। डायरेक्टर ने कहा कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे पूछ रहे थे, तुमने कुछ भी बताया नहीं था। बाओ ने कहा कि उनकी इमेजिनेशन थी, जो उन्होंने कहा वो मैंने उन्हें इमेजिन करने दिया, पर मैंने कुछ भी किया नहीं था। कैथी को जब ये बात पता चली तो गुस्सा हो गई थी। वो कहती कि पुलिस अब इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। वो डेरिक से पूछते हैं कि क्या तुम 100% श्योर कि उस रात नायोमी और बाओ के बीच में कुछ भी हुआ नहीं था। डेरिक कहता है कि मैं 80% श्योर हूँ। कैथी समझ गए कि डेरिक ने उनसे झूठ कहा है। डेरिक कहता है कि जो भी हुआ इसमें हम इन्वॉल्व नहीं है, पुलिस जो करना होगा वो कर लेंगे। अगले दिन बाओ नायोमी को सॉरी कहने के लिए आया। नायोमी की फ्रेंड उसे मिलने देने के लिए रोक रही थी तो बाओ और उस फ्रेंड में ही झगड़ा हो जाता है। नायोमी और बाओ के सैंपल्स लेकर उन पर टेस्ट हुई थी, जिनमें कुछ भी कंक्लूजन आया नहीं था। नायोमी के पेरेंट्स बहुत ही रिच और इन्फ्लुएंशियल थे, तो इस वजह से पुलिस पर भी प्रेशर आ रहा था। पुलिस फिर से जाकर बाओ को अरेस्ट कर लेते हैं। रात में कैथी नायोमी को मिलने के लिए आई। कैथी उसे पूछती कि पार्टी में जो भी हुआ था क्या इस बात को लेकर तुम श्योर हो। नायोमी कहती कि तुम इस तरीके से यहाँ कैसे आए, तुम तो पहले मुझसे कभी भी बात नहीं करती थी। कैथी ने कहा कि तुमने मेरे बारे में एक रूमर फैलाई थी। नायोमी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई तो ये बातें करने लग जाती है। नायोमी की सिटी से है, इसके बारे में कैथी को जब पता चला तो उसने कहा कि डेरिक भी वहीं से है। डेरिक का नाम सुनकर नायोमी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, वो कैथी को रूम से बाहर निकाल देती है। घर आकर कैथी ने डेरिक को कन्फर्म किया, वो कहती है कि तुम और नायोमी एक ही स्कूल में थे और तुम उसे जानते भी नहीं, इस तरीके से क्यों प्रिटेंड कर रहे हो। डेरिक ने कहा कि मैं एक्चुअल में उसे नहीं जानता था। कैथी कहती को तुम्हारा नाम सुनकर डिस्टर्ब हो गई थी, ऐसा क्यों हुआ। डेरिक ने कहा कि मुझे बहुत सारी लड़कियां लाइक करती थी, नायोमी ने इस तरीके से बिहेव क्यों किया इसके बारे में मुझे नहीं पता। वो उसके करीब आ गया और कहता है कि मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं कहूंगा। ये दोनों फिर किस करते हैं और इंटीमेट हो गए। सुबह होने पर भी नायोमी की बात कैथी के माइंड से जा नहीं रही थी। वो डायरेक्टली उसकी सिटी में आ गए, उसने उनकी स्कूल की ईयरबुक देखी। उससे उसे पता चलता है कि डेरिक और नायोमी ये दोनों कपल थे। जाकर उस स्कूल के प्रिंसिपल से बात करती है, उसने पूछा कि नायोमी और डेरिक के बीच में क्या कुछ हुआ था। प्रिंसिपल उसे तुरंत स्कूल से बाहर निकाल देते हैं, ये बहुत ही सस्पिशियस था। वहां पर एक टीचर थी जो कैथी को कुछ बताना चाहती थी। बाहर आने के बाद कैथी ने उसे इंसिस्ट किया तो बताती कि रिच लोग उन्हें जो भी लगता है वो कर डालते हैं और बाद में उन्हें कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने नहीं पड़ते। टीचर ने उसे बता दिया कि डेरिक ने नायोमी को जबरदस्ती की थी। डेरिक ने कैथी को झूठ बोला, इस बात से वो बहुत ही गुस्सा हो गए और उसे कन्फर्म कर दिया। डेरिक कहता है कि मैं और नायोमी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक रात हम करीब आ गए और इंटीमेट हो गए। उसके बाद सुबह नायोमी ने सबसे कहा कि मैंने उसे जबरदस्ती की थी, वो एक छोटी बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी। डेरिक कहता है कि नायोमी ने मेरी पूरी रेपुटेशन खराब कर दी, मेरे पेरेंट्स भी मुझसे बात नहीं करते। डेरिक ने नायोमी के खिलाफ जो रूमर फैलाए ये सिर्फ उसे एक बदला लेने का एक वे था। अगले दिन कैथी ने जाकर डायरेक्टर से बात की, उसे सब कुछ सच सच बता दिया, पर डायरेक्टर उसकी बात नहीं मानती। डायरेक्टर को डायरेक्ट ने ऑलरेडी बताया था कैथी और बाओ के बीच में रिलेशनशिप है, तो इस वजह से उसकी कोई भी बात वो मानने के लिए रेडी नहीं थी। इसके बाद कैथी ट्रेविस के पास आ गई, कहती है हमें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ट्रेविस कहता है कि डेरिक हमेशा मुझे बहुत ही हेल्प करता है, उसके खिलाफ वो नहीं जा सकता। कैथी घर आकर बहुत ही अपसेट थी, वो रो रही थी, पर डेरिक उसे मना लेता है। वो रात में अब नायोमी से मिलने के लिए जा रहा था, पर रस्ते में उसे बाओ देखा। ये रूमर फैलाने की वजह से बाओ उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, उसे बहुत मारता है। डेरिक उसे कहता है कि नायोमी एक पागल लड़की है, उसने जो मेरे साथ किया यही चीज उसने तुम्हारे साथ भी की है। बाओ उसकी बात मान नहीं रहा था तो उसे वो बहुत मारता है। उसके बाद वो नायोमी के पास पहुंच गया। डेरिक ने कहा कि तुम्हारे एक झूठ ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, तो मैंने तुमसे बदला लिया। उस रात तुम्हारे और बाओ के बीच में कुछ भी हुआ नहीं था, पर मुझे पता था कि अगर मैंने अफवाह फैला दी तुम्हारा घटिया दिमाग तुमसे फिर से कहेगा कि बाओ ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी और तुमने वही किया। गुस्सा होकर नायोमी उसे मारने लग जाती है तो फिर से डेरिक उसे जबरदस्ती करने लग गया, उसे रूम से बाहर निकाल देती है। घर आकर डेरिक कैथी से कहता है कि मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया है। नायोमी के साथ फाइट की वजह से डेरिक के फेस पर निशान बन गए थे।
ट्रैविस बाहर से आकर कहता है कि नाओमी की डेथ हो चुकी है। थोड़ी देर में एक डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि कल रात तुम नाओमी के रूम पर गए थे, हमने उसके बॉडी पर स्ट्रगल के निशान देखे, ये कोई सुसाइड नहीं थी तो उसका किसी ने मर्डर किया है। डेरिक के फेस के निशान के बारे में डिटेक्टिव ने उससे पूछा। वो कहता है कि मेरी बाओ के साथ फाइट हुई थी, इससे वो निशान आए हुए है। डिटेक्टिव इसके बाद चले जाते हैं और डेरिक डिस्टर्ब होकर नाओमी के घर पर चला गया। वहां पर बहुत सारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो घर पर आया तो कहती कहती कि हमें सच सच बताओ कि उस रात हुआ क्या। डेरिक कहता है कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया, हमारे बीच में कुछ स्ट्रगल हुआ था तो शायद इस वजह से पुलिस को लग सकता है कि मैंने उसका मर्डर किया, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो ट्रेविस से कहता है कि तुम पुलिस को बता देना कि उस रात में तुम्हारे साथ ही था। उसने कहती कि फोटो उसे दे दी और कहता है कि तुम्हारे रूम में जाकर रख आओ। अगले दिन डेरिक जब क्लास से वापस आता है तो उसके घर में पुलिस थे। वो कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास बहुत सारे सबूत है। जो फोटो डेरिक ने ट्रेविस को दी थी, ये फोटो ट्रेविस ने फिर से डेरिक के रूम में रख दी थी क्योंकि इसमें वो शामिल नहीं हो सकता। डेरिक पुलिस को ट्रेविस का प्रोजेक्ट दिखाता है, कहता है यहाँ पर सारी जगह नाओमी की फोटो लगी हुई है, उससे अपसेस्ड है और सब कुछ उसने ही किया है। पुलिस ने कहा कि मैं तुम्हारे हेयर्स लेकर जा रहा हूँ, मुझे पता है कि तुमने ही मर्डर किया है, ये DNA मैच कर जाएगा और उसके बाद मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। इस सब से डेरिक डर गया, रात में वहां से भागने लग गया। ट्रेविस को पता चल गया था कि डेरिक ने उसे फ्रेम करने की कोशिश की, वो गन बाय कर लेता है और डेरिक पर लगाता है। उसने कहा कि तुम इस तरीके से भाग नहीं सकते, तुमने जो भी किया इसकी सजा तुम्हें होनी ही चाहिए। कैथी यहाँ पर पहुंची और उन्हें समझाने की कोशिश कर दिया, पर डेरिक और ट्रेविस में फाइट हो गई। एक्सीडेंटली गोली चल गई और एक कैथी को लग जाती है। ट्रेविस पुलिस को कॉल करता है। डेरिक ने उसे समझाने की कोशिश की कि हमें पुलिस को क्या बताना है, यह हमारी स्टोरी हमें स्ट्रेट करनी चाहिए, हम इन सब से बच सकते हैं। ट्रेविस इस बात को मान नहीं रहा था। डेरिक डिस्टर्ब हो गया, वो कहता है कि मैं मर्डरर नहीं हूँ, मैंने नाओमी के साथ जबरदस्ती की थी पर मैं मर्डरर हूँ नहीं, नाओमी ये सब डिजर्व करती है। उसने जब ये सब बात बोली तो सारे पुलिस वहां पर पहुंच गए। ऊपर से नाओमी नीचे आती है, वह भी जिंदा थी। डेरिक से सच बुलवाने के लिए ये सब लोगों ने मिलकर प्लान किया था। सचमुच में डेरिक ने नाओमी के साथ जबरदस्ती की थी और ये बात अब सबको पता चल गई, उनके पास प्रूफ भी था। अब इसके बाद डेरिक को जेल हो जाएगी। डेरिक खुद को बचाने के लिए किसी को भी फ्रेम करने के लिए रेडी था, पर इसकी सजा उसे भुगतनी पड़ी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।